केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन पर बोल रहे थे, तभी उनकी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से नोकझोंक हो गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए कहा कि वह सदन में चीन के विषय पर सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदन में यह टिप्पणी उस वक्त की जब अधीर रंजन चौधरी ने यह चुनौती दी कि क्या उनमें चीन के बारे में चर्चा करने की हिम्मत है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी हिम्मत है, इतिहास में मत ले जाइए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, सीना चौड़ा करके चर्चा के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वह काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी मैं समझता हूं सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मैं समझता हूं हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माननीय सदस्य प्लीज चर्चा नो। चीन पर भी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन लिया। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना। सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं, मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय